हाय गाइस एंड वेलकम टू कूल अमित। Xiaomi ने हाल ही में एक नहीं बल्कि दो नए फोन लॉन्च किए Redmi सीरीज में, Redmi Y1 और Redmi Y1 Lite। अब Redmi Y1 जो एक सेल्फी फ़ोन है जो Redmi ने Oppo और Vivo की मानने के लिए बनाया है, और Redmi Y1 Lite जो है वो Y1 का ट्रिम डाउन वर्जन है। अब इससे पहले भी Xiaomi ने काफ़ी सारे फ़ोन लॉन्च किए Redmi सीरीज में, Redmi Note 4, Redmi 4, Redmi 4A। इससे काफ़ी सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है क्योंकि इन फोन्स के नाम जो है इनमें कुछ डिफरेंस पता नहीं चलता। तो हम Redmi Note 4 जो है उसको हम साइड में निकाल देते हैं क्योंकि वो Redmi Note सीरीज का फ़ोन है। अब Redmi Y1, Redmi Y1 Lite, Redmi 4 और Redmi 4A, इन चार फोन्स का हम कंपैरिजन करेंगे और देखते हैं कि इनमें से कौन सा फ़ोन जो है वैल्यू फॉर मनी है और आपको खरीदना चाहिए। उसके लिए आप ये वीडियो आगे देखते रहिए। अब चारों फोन्स की डिज़ाइन बिल्कुल एक सी है, जिससे ये पता चलता है कि Xiaomi एक ही डिज़ाइन लैंग्वेज फॉलो कर रहा है अपने Redmi सीरीज फोन्स के लिए। अब हम सभी फोन्स के स्पेक्स पर नज़र डालते हैं। सभी फोन्स में आपको मिलती है 720 पिक्सल का HD रेजोल्यूशन, जबकि Redmi Y1 और Redmi Y1 में आपको मिलती है 5.5 इंच की स्क्रीन, जबकि Redmi 4 और Redmi 4A में आपको मिलती है 5 इंच की स्क्रीन। अगर हम बात करें प्रोसेसर और GPU की, तो Redmi Y1 और Redmi 4 में यूज़ किया गया है Snapdragon 435 octa-core प्रोसेसर विद Adreno 505, जबकि Redmi Y1 Lite और Redmi 4A में यूज़ किया गया है Snapdragon 425 quad-core प्रोसेसर विद Adreno 308। तो Redmi Y1 और Redmi 4 के चिपसेट्स बिल्कुल एक से है, जो काफ़ी अच्छे स्पेक्स है एज कम्पेयर टू Redmi Y1 Lite और Redmi 4A। अब Redmi Y1 और Redmi Y1 Lite में आपको मिलते हैं MIUI 9, जो बेस्ट है एंड्रॉइड 7.1 के ऊपर, जबकि Redmi 4 और Redmi 4A में आपको मिलते थे MIUI 8, जो बेस्ट है एंड्रॉइड 6 के ऊपर। अब बात ऐसी है कि Xiaomi जो है अपने सभी फोन्स में MIUI 9 का अपडेट दे रहा है। अब हम बात करेंगे रैम और इंटरनल स्टोरेज की, तो Redmi Y1 जो है दो वेरियंट्स में अवेलेबल है, 3GB रैम 32GB इंटरनल और 4GB रैम 64GB इंटरनल। Redmi Y1 Lite जो है वो एक ही वेरियंट में अवेलेबल है, 2GB रैम और 16GB इंटरनल, जबकि Redmi 4 तीन वेरिएंट्स में अवेलेबल है, 2GB रैम 16GB इंटरनल, 3GB रैम 32GB इंटरनल और 4GB रैम 64GB इंटरनल। और Redmi 4A जो है वो दो वेरिएंट्स में अवेलेबल है, 2GB रैम 16GB इंटरनल और 3GB रैम 32GB इंटरनल। अब सभी फोन्स में आपको 128GB का एक्सपेंडेबल स्टोरेज मिलता है, लेकिन अब बात ऐसी है कि Redmi Y1 और Redmi Y1 Lite में जो है आपको अलग से माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिलता है, मतलब इसमें आप दो सिम कार्ड प्लस माइक्रो SD कार्ड तीनों एक साथ यूज़ कर सकते हैं, जबकि Redmi 4 और Redmi 4A में हाइब्रिड सिम स्लॉट का यूज़ किया गया था, जिसमें आप एक सिम कार्ड और एक माइक्रो SD कार्ड या फिर दो सिम कार्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर हम कैमरास की बात करें, तो सभी फोन्स में 13 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा यूज़ किया गया है विद LED फ्लैश। और फ्रंट कैमरे की बात करें, तो Redmi Y1 में यूज़ किया गया 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा विद सेल्फी फ्लैश, क्योंकि एक सेल्फी फ़ोन है इसके लिए इसका कैमरा जो है काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर 3, क्योंकि बाकी तीनों में जो है 5 मेगापिक्सल का बिल्कुल साधारण सा कैमरा यूज़ किया गया है। चारों फोन्स में नॉन रिमूवेबल बैटरी का यूज़ किया गया है, Redmi Y1 और Redmi Y1 Lite में यूज़ की गई है 3080mAh की बैटरी, जो आपको करीबन एक दिन के ऊपर बैटरी बैकअप देगी और नॉर्मल यूज़, जबकि Redmi 4 में यूज़ की गई है काफ़ी अच्छी 4100mAh की बैटरी, जो आपको तकरीबन दो दिन का बैटरी बैकअप देती है, और Redmi 4A में यूज़ की गई है 3120mAh की बैटरी, जो बिल्कुल सेम आपको एक दिन के ऊपर का बैटरी बैकअप देती है। फिंगरप्रिंट सेंसर जो आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया है, तो Redmi Y1 और Redmi 4 में आपको मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर, जबकि Redmi Y1 Lite और Redmi 4A में फिंगरप्रिंट सेंसर का यूज़ नहीं किया गया है। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर प्राइसिंग की, तो Redmi Y1 की प्राइस शुरू होती है 9000 रुपये से, मतलब 3GB रैम का मॉडल जो है 9000 रुपये में आता है, और 4GB रैम का मॉडल जो है वो आता है 11000 रुपये में, जबकि Redmi Y1 Lite जो आता है 7000 रुपये में। Redmi 4A 3 प्राइस वेरियंट्स में अवेलेबल है, 2GB रैम का मॉडल जो है वो है 7000 रुपये का, 3GB रैम का मॉडल जो है वो है 9000 रुपये का, और 4GB रैम का मॉडल जो है 11000 रुपये का। तो Redmi 4 11000 का मॉडल लेने में कोई सेंस नहीं बनता, इससे आप Redmi Note 4 खरीद लीजिए, जो कि एक बेटर फ़ोन है। अब Redmi 4A जो दो प्राइस वेरियंट्स में अवेलेबल है, 2GB रैम का मॉडल जो है 6000 रुपये में, और 3GB रैम का मॉडल जो है वो है 7000 रुपये में। अभी तो बिल्कुल क्लियर है कि Redmi Y1 काफ़ी अच्छा फ़ोन है, आप इसका 3GB रैम और 32GB इंटरनल का मॉडल 9000 रुपये में खरीद सकते हैं, जो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है
और एक बहुत अच्छे स्पेक्स और एक लेटेस्ट MIUI 9 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स आता है। सबसे अच्छी बात यह है कि Xiaomi ने अपने सभी फोन्स के लिए MIUI 9 का अपडेट दिया है जो Android 7.1.1 के ऊपर बेस्ड है। जो उनका पहला फ़ोन आया था Mi 3 जिसको हम Mi 3 भी कहते हैं, उससे लेके सभी फोन्स के लिए उन्होंने MIUI 9 का अपडेट दिया है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि बाकी सब मैन्युफैक्चरर जो है वो एक से ज़्यादा अपडेट देते नहीं है एंड्रॉयड का, लेकिन Xiaomi ने सभी फोन्स के लिए अपडेट दे दिया है जो कि उनका बड़प्पन है, जो बहुत ही बड़ी बात है। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल कूल अमित को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।